ये भारत में ही नहीं देश विदेश के अंदर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। और आहूजा जी अभी गिटार के माध्यम से कुछ संदेश आपको देना चाहते हैं। आहूजा जी आप ही गिटार बजाकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि संविधान को अगर बचाना है तो आपको पब्लिक को पूरे इंडिया के जो है एक एक बच्चे को बताना पड़ेगा कि भगवान अल्लाह गॉड ये काल्पनिक जो है एंटिटीज हैं, इनका कोई सच्चाई से वास्ता नहीं है। जैसे कि जो है हमारे जो है गौतम बुद्ध बोल के गए हमारे को, तो अगर भगवान अल्लाह गॉड नहीं थे ना है ना होंगे, तो अब जो है बोध जो विचारधारा है वो भी यही कहती है। तो हम लोग जो है यहीं से जो है अपने संविधान को बचा सकते हैं। और अब जो है इसीलिए हम जो है बुद्धम शरणम गच्छामि आपको गाएंगे। यहीं भी ले लीजिए, यहीं भी ले लीजिए। संविधान डाला है बीच में, संविधान इसको दोबारा हम गाएंगे, संविधान चरणं गच्छामि, संविधान चरणं गच्छामि, कॉन्स्टिट्यूशन चरणं गच्छामि, कॉन्स्टिट्यूशन चरणं गच्छामि, बुद्धं चरणं गच्छामि, संघं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संविधान शरणं गच्छामि, संविधान शरणं गच्छामि। अभी बहुत अच्छे सुर के अंदर गिटार बजाकर बुद्धम शरणम गच्छामि, संविधान शरणम गच्छामि, और आपने बहुत अच्छी बात कही। अभी आपने एक चीज कहा था कि संविधान को बचाना है, तो संविधान क्या खतरे में है, क्या कैसे आपको लगता है कि क्यों बचाना है संविधान को? देखिए, या तो संविधान जीवित रहेगा या धर्म जो हिंदुइज्म जीवित रहेगा। हिंदुइज्म जो है वो संविधान के अगेंस्ट में है, क्योंकि जो है हिंदुइज्म बात करता है वर्टिकल हायरार्की की, हिंदुइज्म बात करता है ऊंच नीच की। हिंदुइज्म जो रहेगा, अगर भगवान रहेगा, अल्लाह भी रहेगा, गॉड भी रहेगा, तो गरीबी रहेगी। और जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले से भी बोल दिया था, और कंस्टिट्यूएंट असेंबली में भी बात हुई थी उनके साथ जो लोगों की, कि हमें भगवान नहीं चाहिए, नो गॉड, नो रिलीजन, नो कास्ट, इसके ऊपर जो है आधारित हमारा जो है संविधान होना चाहिए, ऐसे जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बहस हुई थी। लेकिन ये जो है बात को जो है किसी ने बताया नहीं हमारे पब्लिक को। और यहीं पे जो है बात आती है कि जो है हिंदुइज्म के अगेंस्ट में है चीज़ें, वो जो है बताते नहीं हैं और जो है छुपा के रख देते हैं। तो संविधान को बचाना है तो बच्चे को बताना पड़ेगा कि भगवान अल्लाह गॉड जो है सिर्फ कंसेप्ट हैं। दूसरी बात, बच्चा जब पैदा होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, बच्चे को कोई धर्म से लेना देना नहीं है, और बच्चा धर्म मांगता भी नहीं है, तो फिर क्यों नहीं जो है बच्चे को अधिकार दिए जाते कि जो है वो चूज जब मर्जी करे, जो है 25 साल के बाद जब उसका माइंड जो है उसका ब्रेन, तो ब्रेन के सेल जो है डेवलप होते रहते हैं 25 साल तक,
तो हमको जो है बच्चों को जो है धर्म देना ही नहीं चाहिए, कोई भी धर्म नहीं देना चाहिए। क्यों? वो जो है काल्पनिक चीज़ों के ऊपर जो है आधारित है, और काल्पनिक चीज़ें जो है उनके माइंड को कन्फ्लिक्ट करेंगी और जो है स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी उनकी, और वो अच्छे जो है एम्प्लॉयज़ नहीं बन पाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन तभी बचेगी जब हम सच्चाई बताएंगे, फैक्ट्स बताएंगे कि बेटा जो है भगवान अल्लाह गॉड जो है वो कंसेप्ट हैं, और जो है ये कंसेप्ट जो है सिर्फ कंसेप्ट हैं, रियलिटी इनसे कोई लेना देना नहीं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।